आज आमर ऑर्गेनाइज कराई जोटा आमर वर्ल्ड साइक्लिंग डे बाइसाइकिल डे जोटा कराई तो पूरा वर्ल्ड वाइड रे होची एंड आमर आजादी का अमृत महोत्सव रोटे इनिशिएटिव एटा तो पूरा एंटायर इंडिया रे एटा गोटे कंपिटिशन हिसाब से भी चली आपण जदि आम पेज को जाके देखिबे आपण देखिपारे कि मानने सबू सबू स्टेट्स केमी सबू स्मार्ट सिटी केमी ऑर्गेनाइज कर मानने के एंथुसियास्टिक से मैंने साइकिलिंग को लेकिन एंड गोटे बहुत बढ़िया मानने अवेयरनेस प्रोग्राम आम यहाँ कर लोक एक्चुअली जानतु साइकिल गुरुत्व एवं तार महत्व के साइकिल गोटे एमती जिनस जोटा कि बहुत लोक जीवन मानने जीवन में बहुत प्रभाव पकाए बहुत बेनिफिट्स रही साइकिल चलेबार एंड केवल लोकंर नुह समाज उपर गोटे बहुत बड़ प्रभाव पकाए साइकिल चलेबा छोटे बेले आम आपको सुनो गाड़ी बोली जानी एंड साइकिल चलेले केवल फिट रही नुहे बहुत रोगर निराकरण भी हुए एंड दरिद्र आम जो दारिद्र ह्रास भी साइकिल चलेबा गोटे निर्भर योग्य जान हिसाब से व्यवहार करा जाए दारिद्र ह्रास कर सहायक होता है तेणु यू मोटिव रखिकी वर्ल्ड साइकिल डे ऑर्गेनाइज करा हो एंड 1988 मसीह स्टार्ट एबे भी चली एंड लोक मैंने जिते एक्साइटेड अच्छा जिते इंटरेस्टेड अच्छा आज भी साइकिल को लेकिन भावुची कि आगे एमती रखिबो एंड आगे आहरी बेस लोक पार्टिसिपेट करेंगे एमती अवेयरनेस प्रोग्राम रे आज 300 अधिक पिला 300 स्टार्ट करथिले कोडि से आम स्टार्ट करथिलु किड्स स्क्वायर रु एंड करछु एठी हमर एकामरा प्लाजा जो भवन एकामरा प्लाजा रे एंड करछु सो आई हैव बीन वर्किंग इन द गैथलीन सो टुडे इज वर्ल्ड साइकिलिंग डे सो वी हैव बीइंग अ पार्ट ऑफ द गैथलीन एंड सिटी साइक्लिस्ट वी हैव कोलैबोरेटेड विद द Smart City and Decathlon has been the sponsor for today's event. So yeah, our starting point was skit and Ekamara this plaza is our ending point. It's really an amazing day to see a lot of cyclists coming from the twin cities and taking part. And cycling has lot to give. Today even I did cycling, so felt really nice. We keep going for cycling with our teams as well. So today I think we are promoting sustainability and we will also be celebrating Environment Day in this month, in the month of June. So this initiative of doing cycling was very good cause and I think we had around 300 plus participants coming early in the morning. So cycling brings people together and I think it will help us to keep ourselves healthy and the feel that it gives is really unexplainable. It was really great opportunity having this collaboration with Bhubaneswar Smart City and we are really happy to have this collaboration. और आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पे मैं ये बताना चाहूँगी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है BMC के साथ मिलकर भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी के साथ तो इसका बेस्ट पार्ट ये है साइकिलिंग करने का कि एक तो ये सब हम सब साथ में रहते हैं और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है सो हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी काम कर सकते हैं सो आज का इवेंट बहुत बहुत अच्छा था बहुत अच्छा लगा 10 किलोमीटर साइकिलिंग की हमने और डिकैथलॉन और भी ऐसे इवेंट्स करेगा सो बस और मज़ा आएगा ऐसा अपने को सबको लगता है पर एक साइकिलिंग कम्युनिटी होती है जो कि ऐसे छोटे इवेंट्स करती रहती है और नॉर्मली भी साइकिलिस्ट हेल्दी रहने के लिए साइकिलिंग करते रहते हैं अगर आप डिकैथलॉन फूलनगरा के आसपास जब देखेंगे तो रोज़ सुबह साइकिलिंग करते हुए लोग मिलेंगे जागरूकता होनी चाहिए साइकिलिंग को लेके कि ठीक है कि इतना जो व्हीकल्स का मतलब क्राउड बढ़ रहा है पॉल्यूशन बढ़ रहा है ट्रैफिक जाम हो रहा है जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी साइकिलिंग से सॉल्व हो सकती है तो बस ये है कि हम सबको एक कदम आगे बढ़ाना है और साइकिलिंग के लिए एक दूसरे को भी प्रोत्साहित करना है और जिससे हम और साइकिलिंग कर सकें ये हमारे को इस तरीके की जो सोच है ये बदलनी पड़ेगी कि जो साइकिलिंग करता है ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग सस्ती होती है या साइकिलिंग महंगी होती है हमारे को हमारे प्लानेट के लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा ये इससे बेहतर है कि हम ये सोचें कि कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है इवन प्राइम मिनिस्टर्स नीदरलैंड के ही हैं जो साइकिलिंग करके पार्लियामेंट में जाते हैं आई डोंट नो आई एम नॉट श्योर कि वो अमित जी भी साइकिल चला के साइकिलिंग करके कुछ है जो करते हैं बट हमें और इसके लिए जागरूकता करनी चाहिए तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग एटलीस्ट महीने में एक बार तो साइकिलिंग करें ही करें जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा